नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शेरावत एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप लॉन्ड्री खोलना चाहते हैं या लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हमारी वीडियोज आती हैं मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को। तो आज का टॉपिक है कि लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग में हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और उनके सॉल्यूशंस के बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम एक कैपिटल लेके चलते हैं। उस बिजनेस की जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें एक साल के अंदर पता चलती हैं, जब हम ऑन सीजन ऑफ सीजन सेल करके देख लेते हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए लगता है एक गुड अमाउंट जो हमारे पास होता नहीं है। अब जब ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं और जब हमारे पास अमाउंट होता नहीं है तो हम बिजनेस को दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते और हमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेसमैन ने एक बिजनेस को डुबाया है तो मैं आपके साथ ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि अगर उनको एक दूसरा मौका दिया जाए सेम पैसों के साथ और उनको प्रॉब्लम्स पहले से पता हो तो उनको इश्यूज नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम के साथ। दोस्तों, इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कलर ब्लीडिंग की। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा आती है आपकी लेडीज़ वियर के साथ। लेडीज़ वियर में जब भी आप किसी भी कपड़े को ट्रीट कर रहे होते हैं तो कलर निकलना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम ब्रांडेड क्लोथ्स में नहीं आती है, ये प्रॉब्लम आती है उन क्लोथ्स में जो बाहर से मैन्युफैक्चरर होके आते हैं। और इसमें नंबर वन जो मतलब कपड़े हैं वो हैं आपके लहंगे। मतलब आप एक चीज़ समझिएगा कि मान लीजिए एक ब्राइडल लहंगा है और वो आपके पास ड्राई क्लीनिंग के लिए प्रोसेस होने के लिए आया है, तो वो वन टाइम वियर ही बनाया गया था। उसके अंदर जितना भी कपड़ा लगाया गया है वो बहुत ही चीप क्वालिटी का है, उसमें डिज़ाइन ज़्यादा निकाले गए हैं क्योंकि वो रेगुलर वियर नहीं है। अगर उस लड़की को वही लहंगा दोबारा पहनना है तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो सस्ते डिज़ाइनर कपड़े होते हैं उनको वो महंगा बनाने के लिए वो पूरा जो है सस्ता कपड़ा बाहर लगाते हैं और ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको। अब कलर ब्लीडिंग की इश्यूज़ 80% आपको फीमेल में जो गारमेंट्स हैं और 20% आपको मेल गारमेंट्स में देखने को मिलेगी, कुछ शूज़ में भी हमें देखने को मिलती हैं। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर आप एक कपड़े को ट्रीट करने से पहले उसका कलर ब्लीडिंग का टेस्ट कर रहे हैं और अगर वो कपड़ा कलर ब्लीड हो रहा है और आप उसको इंडिविजुअली वॉश कर रहे हैं या आपके पास प्रोग्रामेबल मशीन है और आप उसमें जो एक्सट्रीम सेंसिटिव कपड़ा है उसका प्रोग्राम से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी बहुत हद तक कम हो जाती है। इंडिया के अंदर जो डाई फिक्सर आते हैं मैंने वो यूज़ किए हैं, सॉरी फ्रेंड्स, पर वो वर्क नहीं करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि जो कपड़े को रंग छोड़ना होगा वो छोड़ेगा। देखिए, इंडिया के अंदर केमिस्ट डॉक्टर से ज़्यादा अच्छी दवाई देते हैं, लेकिन एक डॉक्टर वो होता है जो प्रॉब्लम नहीं आने देता है और अगर आ गई तो उसको सॉल्व करता है, उसका सॉल्यूशन देता है। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम आ गई और आपका एक कपड़े का कलर दूसरे कपड़े पे चढ़ गया तो इसके तीन सॉल्यूशंस हैं। नंबर वन, आप उस कपड़े को बाल्टी में डाल दीजिए फॉर 45 मिनट्स जिसके ऊपर रंग चढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस कोट के साथ एक साड़ी को बाई मिस्टेक ड्राई क्लीन कर दिया जो कि कॉटन की साड़ी थी पर उसने कलर ब्लीड कर दिए, तो मैं इस कोट को फॉर 45 मिनट्स एक नॉर्मल पानी में डाल दूंगा और ये इसके जो ऊपर कलर है वो पानी में घुल जाएगा और कपड़ा बाहर निकल जाएगा। देखा गया है कि 80% सॉल्यूशन इसी चीज़ से मिल जाता है। सेकंड जो है, हमारे दो प्रोडक्ट्स आते हैं, कलर गो वन और कलर गो टू। पहले आप कपड़े को जो गीला करें, गीला करने का कलर गो वन लगाएं, ब्रश से रब करें और उसके बाद जो है उसको वॉश कर दें तो निकल जाता है। अगर वो कलर गो वन से नहीं निकलता, वो कलर गो टू से निकल जाता है। तो ये जो चीज़ है कि पहले आपको फिगर आउट करना कि भाई कौन से कलर निकलेंगे, वहाँ पे आपको टेस्टिंग काम आएगी कि आप हर एक कपड़े को टेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, अगर उसमें कलर लग गया है तो आप पानी में डिप करेंगे फॉर 45 मिनट्स, अगर कलर नहीं जाता तो कलर गो वन और कलर गो टू से आप उसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी सेकेंड प्रॉब्लम की, जो बींग अ ओनर ऑफ अ ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री शॉप आपको फेस करनी पड़ती है, और वो ये है कि ज़्यादातर लोग टेक ड्रिवन नहीं है, वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते हैं। देखिए, क्लीन क्राफ्ट में हम वो बंदे हैं जिन्होंने सबसे पहले AI इंटीग्रेटेड और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज़ किया है एप्लीकेशन में, लेकिन फिर भी बींग अ
फाउंडर डायरेक्टर ऑफ क्लीन क्राफ्ट में आपको ये बिल्कुल सटीक एक हाइपोथेटिकल डेटा की बात नहीं कर रहा, ना कोई अजम्पशंस की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल डेटा पे काम कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर जो हमारी मतलब मदर हैं, जो हमारी सिस्टर हैं, वो उस लेवल पे जाके टेकी नहीं है, वो एप्लीकेशन नहीं चलाती हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपको ऑर्डर्स इंडिया में आपकी एप्लीकेशन के थ्रू आएंगे, तो सॉरी बॉस, आप बहुत ज़्यादा जो है पैसा लगाने वाले हो एप्लीकेशन में, लेकिन रिजल्ट आपको जीरो आएगा। अब देखिए, इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। इंडिया के अंदर जो बिजनेस है लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीन इंडस्ट्री का, वो हाइपर लोकल डिमांड एंड सप्लाई बिजनेस है। हाइपर लोकल डिमांड एंड सप्लाई बिजनेस का मतलब ये होता है कि 3.5 किलोमीटर के अंदर ही आपके ऑर्डर्स आएंगे। अगर आप 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा कैटर करते, फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, अगर मैं 5 किलोमीटर दूर ऑर्डर लेने जाऊँ, तो वो आप एक चीज़ कैलकुलेट कीजिएगा कि अपने पॉइंट से आप 5 किलोमीटर जाएंगे और 5 किलोमीटर वापस आएंगे, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। और 10 किलोमीटर में अगर आप सेल वहाँ पे मतलब पिकअप के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस सेल को कैप्चर कर लूँ, तो आपके पास जो मिनिमम टिकट साइज़ होना चाहिए वो 3,500 रुपये का होना चाहिए। और 1,000 रुपये का टिकट साइज़ आपको पड़ता खा जाता है अगर 3.5 किलोमीटर का रहता है। तो ये हाइपर लोकल डिमांड एंड सप्लाई बिजनेस है। अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब ये देखिएगा कि जो हाइपर लोकल डिमांड एंड सप्लाई बिजनेस होते हैं, वो कभी भी इंस्टाग्राम पे नहीं चलते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब आपका मन होता है कोई प्रोडक्ट खरीदने का, तो आप जाते गूगल पे। तो यहाँ पे आपको जब एप्लीकेशन पे मतलब रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है, गूगल माई बिजनेस स्टार्ट करना है। गूगल माई बिजनेस आपके बिल्कुल नियर लोकेशन से आपको क्लाइंट लगा के देगा, और वो बहुत सस्ता भी पड़ता है। आप पैम्फलेट जो BTL होते हैं, बिलो द लाइन मार्केटिंग, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। और एक्सपेक्ट कीजिए कि आप हमेशा कॉल ही रिसीव करें अगर आप सेल चाहते हैं। तो सिंपल सा एक फंडा है, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, कोशिश कीजिए कि उनको ईज सबसे पहले मिले। मींस अगर वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, तो जस्ट आप एक बेल अवे हो, सिर्फ वो आपको एक रिंग करेंगे और आप उनका नाम पूछेंगे डाल, फिर थोड़े दिनों में जो है आप उनको जानने लगेंगे, अरे शर्मा जी ठीक है मैं आपके घर पे भेज देता हूँ, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी उनका डेटा फीड होगा। तो आपकी जो 80% है क्लाइंट्स, वो सारी फीमेल्स रहने वाली है, और फीमेल्स जो हैं वो इतनी टेक ड्रिवन नहीं है। तो दोस्तों, आप गूगल माई बिजनेस यूज़ कीजिए, उस पर अपना नंबर डालिए, और आप जो ऐड चलाएं उस पर भी अपना नंबर डालिए, जो पैम्फलेट उस पर भी नंबर डालिए, आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज ज़रूर मिलेंगे। तो अब हम अपनी तीसरी प्रॉब्लम, जो हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी है, जो चैलेंज मैंने भी फेस किया और जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो है सीक्रेट। तो इंडिया के अंदर जो हमारे धोबी भाई हैं या हमारे जो ड्राई क्लीनर साथी हैं, वो एक राज छुपा के रखते हैं कि भाई कपड़े को कैसे प्रोसेस करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या होते हैं, कौन कौन सी मशीन यूज़ करते हैं। और इंडिया में सब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जहाँ पे आप अपना कपड़ा देते हो, वो कहाँ ले जाके वॉश करेगा आपको भी नहीं पता है। अब जब आपको नहीं पता, तो आपको ये भी नहीं पता केमिकल कौन से। अगर मान लीजिए आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कोई आपको एजुकेट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपका मेंटर बनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा राज जो होता है वो है दाग निकालना। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आने वाले टाइम में मैं एक एक दाग कैसे निकलता है, कलर्ड कपड़े से, वाइट कपड़े से, या जो भी फैब्रिक उससे कैसे निकलेगा, हम उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो पूरे साल भर हमारी वीडियो आती रहेंगी, तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई मैं काम कैसे करूं, कपड़ा कैसे लूंगा, तो उसके लिए जो मैं सॉल्यूशन आपको बता सकता हूं, वो है क्लीन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग। हमारे 12 बैचेस होते हैं पूरे साल में, 25 से 29 तक हमारा एक बैच चलता है 5 दिन का, जिसकी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप वहाँ पे आके कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। हम बहुत सारे बैच निकाल चुके हैं, मोर देन 18-19 बैच हमारे सक्सेसफुली निकल चुके हैं, और हमारा काफ़ी एक बड़ा परिवार हो चुका है, जो कि लोग सक्सेसफुल लॉन्ड्री रन कर रहे हैं, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। अगर उसके बाद भी अगर कोई इशू आती है, तो हम वो बताते हैं। तो उसमें हमने पूरी डिटेल में बताया है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो आप लेके आते हो, जब मेरी इंट्रोडक्शन होती है, तो मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, 5 दिन के बाद जब आप यहाँ से जाएंगे, तो एक सिंगल भी क्वेश्चन आपके मन में रहेगा नहीं। और उसके बाद मैं सभी को टाइम भी देता हूँ, जिसमें मेरे से वो 1-to-1 में बात भी कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करती, जो है हमारी 4th प्रॉब्लम। इंडिया में जो 4th प्रॉब्लम है, वो है शॉर्टेज ऑफ वर्कर। इसके 2-3 रीज़न है। नंबर 1, कि कोई भी प्रॉपर हमारे पास इंस्टीट्यूट नहीं है, जो इस चीज़ को मतलब इन लोगों को एजुकेट करके और इस चीज़ को ऑर्गेनाइज बना सके। 2nd प्रॉब्लम, जो कि आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया में बहुत शॉर्टेज है लेबर की,
जब मैंने 2018 में स्टार्ट किया और हमने मैन पावर हायरिंग करनी शुरू की, तो मेरा एक क्वेश्चन था 6 महीने के बाद उन लोगों से कि भाई आपके बच्चों का क्या, आप बच्चों को ये काम नहीं सिखाते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि सर हमारे ना पैर गल जाते हैं, हम बहुत कच्चे केमिकल इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास अच्छी मशीनरी नहीं है। अब आप ये देखें ड्राई क्लीनिंग का सबसे ज़्यादा काम कब आता, सर्दियों में, हमें कंबल सर्दियों में करने होते थे। तो पहले के जो लॉन्ड्री लगाते थे वो क्या करते थे, हौदिया बनवा लेते थे, उसमें ठंडा पानी होता था, एक में डाल देते थे कास्टिक सोडा, दूसरे में डाल देते थे टाइपॉल या टीनोपॉल या टीपॉल, आप उसको जो भी बोलो, तो वो बहुत हार्मफुल केमिकल होता था। और टब में जो है वो अमोनिया डाल देते थे, तो ऐसे कच्चे केमिकल्स वो इस्तेमाल करते थे और उसके ऊपर कूदते थे। तो जब वो उसको वॉश करते थे तो आप समझ सकते हैं कि एक कंबल जब पानी में जाएगा तो उसका कितना ज़्यादा वेट हो जाता है। तो उन्होंने कहा हमारे हाथ गल गए, हमारे सिर में दर्द रहने लगा, तो हम ये नहीं चाहते थे कि बच्चे इसी नर्क में आए। तो वो चीज़ वो अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते, इसलिए शॉर्टेज ऑफ लेबर हुई। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। देखिए हमारे पास करिकुलम है, हमारे पास सिलेबस है, हमारे पास बुक है, 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक, कभी कभी 25 तारीख तक भी हम मैन पावर को ट्रेन करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे मैन पावर, मेरे पास मैन पावर है और मैं उसकी ट्रेनिंग करवाऊं, तो हमारे पास फैसिलिटी है, हॉस्टल है, क्लीन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग में मैन पावर की ट्रेनिंग होती है। तो 1 से लेकर 25 तारीख तक हमने मैन पावर की ट्रेनिंग शेड्यूल की और 25 तारीख से 29 तारीख हम ओनर लेवल की ट्रेनिंग शेड्यूल करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन और कोई नहीं था, इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट हमें लगाना पड़ा और हमने बुक भी लिखी हुई है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इसके अलावा अभी इंडिया में कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जो दूसरा हमने सॉल्यूशन निकाला वो ये कि मैं आप लोगों को मतलब ज़्यादा मोटिवेट करूँगा कि आप जितने भी लाइव स्टूडियोज़ लगा सके वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपने देखे होंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो फ्रेंचाइजी लेके आ रही हैं और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी सोसाइटीज़ में लाइव लॉन्ड्रीज लगा रहे हैं, वो जो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं उसमें वो हौदी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें वो पुराने केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं कि अनुपम खट्टी गंधक का तेजाब ऐसी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हो, अमोनिया यूज़ कर रहे हो, वो जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे स्किन फ्रेंडली हैं और सारे इंपोर्टेड हैं। मेड इन इंडिया केमिकल्स भी आज इतने अच्छे आ चुके हैं कि वो नॉन कास्टिक बेस भी इंडिया में केमिकल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो चीज़ें बहुत बदल गई है। तो इंडिया में आने वाले 5 साल के अंदर हमारा ये टारगेट है कि हम एटलीस्ट मैन पावर की प्रॉब्लम सॉर्ट कर दें। और ये मेरा प्रॉमिस था कि देयर विल बी नो सीक्रेट इन दिस इंडस्ट्री, आई विल अनलॉक ईच एंड एवरी यू नो सीक्रेट इन दिस इंडस्ट्री। तो जो हमने सोच के क्लीन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट बनाया था, अब उस पर काम जो है चल रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं और कोचिंग ले रहे हैं। तो अब बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की। तो दोस्तों जो अगली हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी 5th प्रॉब्लम है, वो है हमारा सीज़न। देखिए इंडिया के अंदर ना 4 सीज़न है। अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो इंडिया एक ब्लेस्ड कंट्री है, हमारे पास सारे सीज़न होते हैं। तो जहाँ पे जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा सीजन्स होते हैं तो बिज़नेस भी अकॉर्डिंग टू सीज़न चलता है। अब देखिए अगर आप पहले से बिज़नेस कर रहे हैं तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग जॉब को क्विट करके और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि देखिए हलवाई की जो दुकान होती है, जो स्वीट की दुकान होती है, उस पर हम साल में 2 बार जाते हैं, हम डेली स्वीट नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब क्या, वो सिर्फ 2 बार ही खोलते हैं पूरे मतलब फेस्टिवल सीज़न को कैटर करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो कैलकुलेशन होती है वो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन जो सीज़न आता है, अब जैसे एसी का सीज़न आता है, तो एसी जो है आपको जून में मई में स्टार्ट हो जाते हैं एसी की, और आपके अक्टूबर आते आते एसी की जो सेल है वो डाउन हो जाती है। तो अगर आपको इसका सीज़न पता है तो आप इसको बहुत अच्छे से बिजनेस को कर सकते हैं। तो अब इसकी सॉल्यूशन के ऊपर बात आते हैं। पहली बात आप ये चीज़ समझिएगा, जो ड्राई क्लीनिंग है उसका सीज़न चलता था 1 अक्टूबर से लेके 15 मई तक। जो पहले 3 महीने होते थे उनको जो हमारे ड्राई क्लीनर भाई हैं वो बोलते थे फेस्टिवल सीज़न, और जो बाद के 3 महीने होते थे उनको बोलते थे पैकिंग सीज़न, क्योंकि मार्च अप्रैल में ब्लैंकेट्स पैक होना शुरू हो जाते हैं, सीजन्स वाइंड अप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। सीज़न इसका क्या होता है, इसकी पीक जो आती है वो 1 अक्टूबर से अप्रैल तक आती है। तो देखिए अगर आपने अक्टूबर में खोली तो आप फेस्टिवल सीज़न को जो है हार्वेस्ट कर पाएंगे, और अगर आपने पैकिंग सीज़न में खोली तो आप पैकिंग सीज़न को हार्वेस्ट कर पाएंगे। जो इसके बाकी के 6 महीने हैं उसमें हम शू क्लीनिंग, सोफ़ा क्लीनिंग, जो है लॉन्ड्री, हेलमेट क्लीनिंग जो है साथ में कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में आप ये चीज़ देखेंगे जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है वहाँ का जो है क्लाइमेट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हर जगह एक अब स्टेबल मार्केट बन चुकी है, तो आप कभी भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी 6th प्रॉब्लम पे आती हैं, 6th प्रॉब्लम उसके सॉल्यूशन पे। तो हमारे पास जो 6th प्रॉब्लम है वो है बैड चॉइस ऑफ मॉडल। लॉन्ड्री में आपको ये लगता है कि चलो हम लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप कैसे काम शुरू करते हैं, आप अपने साइड में देखते हैं।
आप एक लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग की दुकान देखते हैं और लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग की दुकान देखने के बाद आपको लगता है अच्छा हम यही मॉडल स्टार्ट करेंगे, वो कलेक्शन सेंटर मॉडल है, लेकिन उसमें 6 मॉडल्स होते हैं, एक ड्राई क्लीनिंग का, एक लॉन्ड्री का, OPL, कलेक्शन सेंटर, लाइव स्टूडियो और प्लांट मॉडल। ये 6 मॉडल्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हैं। अब इनमें से अगर आपने अपने एरिया में या अपनी स्टार्टिंग गलत मॉडल से की, तो मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप बीज गलत बोएंगे या टेढ़ा बो देंगे तो वो बीज टेढ़ा ही उगेगा, उसमें से जो पेड़ निकलेगा वो टेढ़ा ही उगेगा। गलती यहीं करते हैं हम, देख के मॉडल को चूज़ करते हैं, हम अपना बजट डिसाइड नहीं करते हैं। तो 6 मॉडल्स के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि जितने भी मॉडल्स मैं इंडिया में देख चुका हूँ उसमें से जो बेस्ट मॉडल है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें कम सफ़र करनी पड़ती हैं, वो है हमारा लाइव स्टूडियो मॉडल। ये मॉडल ही आने वाले टाइम में, आप मेरी बात याद रखिएगा, मैंने 2-2.5 साल नहीं, पूरे 5 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिताए। आई वॉज द हेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्लीनक्राफ्ट, और मैंने बुक लिखते वक्त वो सारे मॉडल स्टडी किए हैं। ये वीडियोज आप अगर 5 साल बाद भी देख रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में एक ही चीज चलेगी और आप कहेंगे मानशु सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, वो है लाइव स्टूडियो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मॉडल सर्वाइव भी करेगा इंडिया के अंदर, और हर नुक्कड़ पे, हर कॉर्नर पे इतनी पोटेंशियल है कि आप एक लाइव लॉन्ड्री या एक लाइव स्टूडियो डाल सकते हैं। लाइव लॉन्ड्री और लाइव स्टूडियो में क्या फ़र्क होता है, आने वाली मॉडल वीडियोस में आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। चाहे छोटे स्तर पर खोलें, थोड़ा काम के लिए खोलें, लेकिन लाइव स्टूडियो खोलें। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो भी स्टार्टिंग आप कैसे भी करें, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे लाइव स्टूडियो पे 1 साल के अंदर पहुंचने की कोशिश करें। अब दोस्तों जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारे सारे ड्राई क्लीनर्स फेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, हमारी प्रॉब्लम है हम हर सर्विस नहीं देते, मींस हम वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं देते। 1 साल जब आप लॉन्ड्री ड्राई क्लीन खोल लेते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके कुछ ग्राहक टूट के चले गए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए ग्रॉसरी स्टोर है, किरियाने की दुकान, मैं उसके पास गया और मैंने कहा सर मुझे आटा नूडल्स चाहिए, और वो कहता नहीं मेरे पास मैगी है लेकिन वो मैदे वाली मैगी है, क्या आप लेना चाहेंगे? मैंने कहूँगा नहीं, मैं कहीं और से देख लेता हूँ सर। फिर मैं उसके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ सर आपके पास मिक्स अचार है? वो कहता नहीं यार मेरे पास तो मिर्ची का अचार है या मैंगो का अचार है। मैं कहता हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं उसके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ आपके पास मिक्स फ्रूट जैम है? और वो क्या कहता है कि नहीं सर मेरे पास तो जो है पाइनएप्पल जैम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जिस बंदे के पास जाऊँगा जो दूसरे ग्रॉसरी स्टोर होगा, अगर उसने सारा सामान रखा हुआ है तो मैं वहां जाऊंगा और वहां से कैटर करूंगा अपने सारे प्रोडक्ट्स। अब देखो मैंने वहां से प्रिक्योरमेंट शुरू कर दी, तो जाने के बाद उसके पास उससे मेरी बातचीत अच्छी हो जाएगी कि ये मेरा नया ग्राहक है और मैं उसी का बन के रह जाऊंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमारी ग्रॉसरी इंडस्ट्री को। अब देखिए अगर आपके पास कलेक्शन सेंटर मॉडल है और बंदा प्रेस करवाने आया तो आप 4 दिन के बाद प्रेस दोगे? साउथ इंडिया में से अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और आप ये चीज़ समझ रहे हो कि आपके वहाँ पे 29 डेज 30 डेज 25 डेज 45 डेज में आपको मिलती हैं, अगर आप इतनी लेट डिलीवरी कर रहे हो, 15 दिन की डिलीवरी कर रहे हो, 5 दिन की डिलीवरी कर रहे हो, चलो और पकड़ के चले 4 दिन की डिलीवरी कर रहे हैं जो एक स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम है, और एक लाइव स्टूडियो लगा हुआ है जो शाम को डिलीवरी कर रहा है, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? तो आपका जो मनी का चर्न होने का टाइम है वो बहुत घट जाता है। तो वैसे ही आपको सारी सर्विसेज रखनी पड़ती है ताकि वो बंदे आए, टाइम भी कम लगे और आप उनको सर्विस दे पाओ। तो फॉर एग्जांपल जब मैं बात करता हूँ लाइव स्टूडियो की, तो हम क्लीनक्राफ्ट में क्या क्या सर्विस देते हैं वही आपको देनी है। सबसे नंबर 1 है हेलमेट क्लीनिंग। हम इंडिया में फर्स्ट है हेलमेट क्लीनिंग, बहुत रॉकेट साइंस नहीं, आप इजीली सीख सकते हैं, और बहुत बड़ा मार्केट है हेलमेट क्लीनिंग का। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गंदी हेल्थ है वो स्कैल्प की हेल्थ है, लोगों को डैंड्रफ इंडिया में भर भर के है। हम दबा के सरसों का तेल लगाते हैं, हम दबा के चमेली का तेल लगाते हैं, हम दबा के पैराशूट आंवला का तेल लगाते हैं, तो हमारे यहाँ पे डैंड्रफ की एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम है जो कि होनी नहीं चाहिए थी। और बिल्कुल जो आपका हेलमेट है वो बिल्कुल सड़ा हुआ रहता है और हेलमेट कभी भी क्लीन नहीं होता है। तो नंबर 1 हेलमेट क्लीनिंग। उसके बाद शू क्लीनिंग है, बहुत सारी जगह पे आप शू क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे हमने ग्रोथ देखे पिछले 5 साल में, जितनी भी हमारे स्टोर्स खुले हुए फ्रेंचाइजी, हमने ये देखा है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप जो है शू क्लीनिंग आनी शुरू हो गई। अगर दिन के आप 4 से 5 पीस कर दे तो भी 1000 रुपये बन जाते, 30,000 तो सिर्फ शू क्लीनिंग के, तो आप शू क्लीनिंग कर सकते हैं। आप 15 से 20 मिनट में स्टार्स दे सकते हैं, वो भी अब फैसिलिटी आ चुकी है कि एक टाइम आता था जब आपको 4 से 5 दिन में कलफ लगती थी, कलफ मार मांडी स्टार्च, ये सारी एक ही चीज़ है। तो अब बायोपॉलीमर स्टार्च आ चुके हैं जो ब्रीदेबल हैं, तो वो भी आप 15 मिनट लगा सकते हो। अगर आपको केरला स्टार्च देना, बिल्कुल सुपर हार्ड स्टार्च,
तो आप क्या करेंगे, एक दिन का टाइम ले लेंगे, नेक्स्ट दिन आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, किसी भी कलर कपड़े पे और किसी भी ब्लैक कपड़े पे आपको निशान नहीं आएंगे उन स्टार्च के। तो आप स्टार्च दे सकते हैं, आप एक्सप्रेस जो है प्रेस सर्विस दे सकते हैं, उसके अलावा आप तीनों तरह की लॉन्ड्री दे सकते हैं जिसमें आपकी प्रीमियम लॉन्ड्री, वॉश एंड फोल्ड एंड वॉश एंड आयरन है। उसके अलावा आप ड्राई क्लीनिंग दे सकते हैं, बोथ प्रीमियम ड्राई क्लीनिंग और नॉर्मल ड्राई क्लीनिंग। उसका कर्टेंस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं और ब्लैंकेट्स तो ऑब्वियसली है ही हैं। तो अगर आप सारी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देंगे कि आपके वो पास आए और कहीं से जाए ना, तो आप वन ऑफ द बेस्ट ड्राई क्लीनर होंगे एरिया में। तो अगर मैं बात करूं समरी की, तो जो भी हमारी 7 प्रॉब्लम्स हैं, मैंने प्रॉब्लम्स ही बताई और आपको सॉल्यूशन भी बताए। इन प्रॉब्लम्स और इन सॉल्यूशंस को रादर देन आप खोल के सीखें, या अगर आपको प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं तो जो मैंने सॉल्यूशन बताए हैं आप उनको डेली यूज में लाइए, उन सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कीजिए, आपकी सेल तो बढ़ेगी प्लस कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो आपको रेफरेंस भी मिलते रहेंगे। तो स्टे ट्यून, लाइक सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई बात है तो कमेंट कीजिए। दिस इज हिमांशु सहराव साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉशिंग एंड कीप अर्निंग।